Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. एक नया कारोबार सेट कर रहा हूँ। सारी जिंदगी भाभी जी की मुंशी के लिए तो नहीं कर सकता। ये जो लड़कियां होती है ना, ये अस्पताल जाती हैं, अस्पताल जाती हैं और वापसी भी ना वापसी ना बिना बच्चे लेके आती हैं साथ। तू तो भी जल्दी जाना और बच्चे लेके आना। ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ औलाद हो जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू जो है ना, तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। वेलकम इन सर। आओ साहब यहाँ। जी सर। सर मेरे होते हुए आपको किस बात की फिक्र? साहब यहाँ, कारोबार में नफा और नुकसान दोनों का सोचना चाहिए। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है। बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना सर, और आप घबराइए नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको एक साल में कम से कम 4 गुना मुनाफा होगा। लेकिन भाई, जितना तखमीना तुमने लगाया है उतना नहीं है मेरे पास, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो छोटे पैमाने पे शुरू कर देते हैं सर। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। साहिर मियां, आपके भरोसे पे शुरू किया है ये सब, आगे अल्लाह बेहतरी करे। इंशाल्लाह सर, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, आप भरोसा रखें। अच्छा तो चलो ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ बैंक चलो, क्योंकि मुझे इन बैंक के मामलात का कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ। चलो चलो नुसरत मियां। दुल्हन पता है अम्मा जान क्या कह रही थी। अम्मा जान कह रही थी कि ये जो हर वक्त काम करती रहती है ना, जब तुझे अल्लाह अल्लाह मेरा प्यारा अल्लाह इंशाल्लाह तुझे तुझे मसरूफियत देगा ना, तो तेरी ये कपड़े सीने वीने इस खड़खड़ वाली मशीन से जान छूट जाएगी। हाँ तो ये तो मसरूफियत है ना, और क्या है मसरूफियत? नहीं नहीं बेवकूफ, समझती नहीं है किसी बात को। लेकिन पहले तो बोले को भी समझ नहीं आई थी अम्मा क्या कह रही है। फिर ना अम्मा ने मुझे ना समझाया, अम्मा ने कहा कि जब बोले तेरे और तेरी दुल्हन के इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर दुल्हन मसरूफ हो जाएगी। यार मसरूफ हो जाएगी, सही कह रही है ना अम्मा। फिर तू बच्चों को कभी खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी, उनको कहेगी अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मेरी जिंदगी साफ कर दी है तुम लोगों ने। मना किया था, मना तो किया था, मैं तो बस तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ ना, मैंने कौन सा किसी और के साथ किया है। और अम्मा के साथ भी अल्लाह की कसम, तेरी कसम मैंने अम्मा के साथ बात नहीं की। अम्मा ने खुद मुझसे कहा है, यकीन नहीं होता, बोले बजा जाके पूछ ले उनसे, पूछ ले जाके। मेरे साथ भी ना किया कर, तू जब ऐसी बातें करता है ना मेरे अंदर, देख मैंने जब से ख्वाब देखना छोड़ा है मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, मैं दोबारा ख्वाब नहीं देखना चाहती। वैसे एक बात है, भाभी बेगम की बात तो वाकई सच्ची निकली। मुझे तो लगता था कि ये भोला कभी भी ठीक नहीं होने वाला,
पर नहीं भाई, उन्होंने तो उनकी शादी करके वाकई इलाज कर डाला, जादुई इलाज। क्या मतलब? सुधर रहा है, बल्कि सुधर चुका है। अरे कहाँ वो आए रोज घर से गायब रहना, पैसे लेके चंपत हो जाना, बर्तन तोड़ना, हंगामे करना, मेलो ठेलो के लिए बिलकना। अरे अब तो उसके रंग ढंग ही निराले हैं, रोज नहा धो के तैयार होकर बैठ जाता है भाई। और तो और अब तो वो बातें भी सियानी करने लगा है। क्या सियानी बात है? और भोला? हाँ यही के अब वो ईरान तुरान की कम हांगता है, तो भी चलो अच्छा है ना, भाभी बेगम भी सुखी रहेगी। और वैसे भी हम कौन सा किसी का कुछ बुरा चाहते हैं, क्यों कोमल के अब्बा? तो चलो एक तरह से तो अच्छी बात, हम यहाँ से जाएंगे तो खानदान बरादरी वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि बेचारी बेवा भावेज को बावले दीवाने लड़के के आसरे छोड़ के जा रहे हैं। से मुझे तो लगता है चंद दिन लगेंगे, ये लड़का बिल्कुल होशमंद और भला चंगा हो जाएगा, तुम देख लेना। सारी खुशखबरियां सुना दी हैं या अभी कुछ बाकी हैं तुम्हारी पटारी में? सारे बम एक साथ ही फोड़ दो मेरे सर पे, सुकून से मत रहने देना चाहे औरत। हाँ हाँ आओ नुसरत में आ जाओ। नाश्ते की टेबल पे आप नजर नहीं आए तो सोचा तबीयत पूछ लूँ। तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई इतनी खराब भी नहीं है, बस मौसम का असर है। तुम्हें पता है ये जाड़ा हड्डियों में घुस जाता है, इसीलिए नाश्ता भी कमरे में किया, तुम्हें भी यहीं बुलवा लिया। जी हुक्म कीजिए। मैं आ जाऊँ? हाँ आओ नूरबानो। अम्मा जी आपका जोड़ा सिल गया था, मैं बस चाह रही थी आप कमीज का नाप देख लेती, अगर कोई कमी पेशी है तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे नहीं मुझसे नहीं निकला जाता लिहाफ से, तुम खुद ही देख लो। हुक्म कीजिए भाभी जी, आपने किस लिए बुलाया था मुझे? अरे हुक्म क्या होगा, वही पहली तारीख आई खड़ी, शकूरन और बाकी मुलाजमों की तनख्वाह देनी है और राशन लेना है। अरे भाभी जी वो तो मुझे याद था। वैसे आफरीन है भाभी जी आपने भी, आपने भी कभी पहली से दो तारीख नहीं होने दी तनख्वाह देने के मामले में मुलाजमीन को। मैं चेक बना के लेके आया था। हाँ वो नुसरत मियां इस बार 25 की बजाय 35 का चेक बना देना। क्यों भाभी जी कोई शादी का न्योता है? अरे नहीं अब तो भूले मियां भी शादीशुदा हो गए ना भाई, तो उसकी बीवी की हथेली पे भी कुछ जेब खर्च रखूंगी। अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। अरे चुप क्यों हो तू, जरूरत नहीं है। वो भाभी जी मैं तो पहले से 25 का बना के लाया था, तो मैं 10 का और बना लूंगा, आप फिलहाल अभी इस पर दस्तखत कर दीजिए।
मैं पेन, एक पेन तो यहीं रह गया। अरे मैं उठा देती। ओफो, हाय अल्लाह। अम्मा जी आपने 25 कहा था ना? हाँ। ये तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख? 2.5 लाख? वो वाकई 2.5 लाख का वो एक सफर ज्यादा टल गया। पता नहीं भाभी जी, आज तक तो मुझसे कभी ऐसी गलती हुई नहीं, पर वो मैं दूसरा बना के लाता हूँ। अरे देख लो नुसरत मियाँ, मुझ गरीब का नुकसान ना करा देना। अल्लाह ना करे भाभी जी, ऐसे कैसे हो सकता है। बस वो जल्दी में, आज तक तो मुझसे कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं दूसरा बना के लेके आता हूँ। देखो ना, सर्दी की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सर्दी नहीं है अम्मा जी, ये कमजोरी है, दिन ब दिन कम खुराक। कुछ चाहिए आपको? कुछ बना के लेकर आऊं? नहीं तो जा। नुसरत चाचा, एक आध सिफर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती है सबसे हो जाती है, आपसे भी हो गई। लेकिन आपने हिंसों के साथ साथ रकम भी दर्ज की थी, उसमें कैसे गलती हो गई? बस सर, ये स्टॉक हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ये 2 महीने तक चल जाएगा। इसके बाद हमें मार्केट से और स्टॉक उठाना होगा। अब आप बता दें कितना ऑर्डर करें। सर कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। दरअसल बहुत ज्यादा मसला क्या है सर, जाती नौयत का या बिजनेस से रिलेटेड? दोनों। बस क्या? नहीं आपको और खाएं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ना। दिल भर गया बस बस। पैर दबा दूं? अम्मा जी, आप हमेशा ऐसे बगैर देखे दस्तखत कर देती हैं चेकों पर? हाँ हमेशा, ऐसा होता नहीं है। वो तो पता नहीं आज नुसरत मियाँ से कैसे भूल चूक हो गई। वैसे भी 25,000 हों या 2.5 लाख, आने तो मेरे पास ही थे। बस मुझे फिक्र होती है कि इतने सारे पैसों का करूँगी क्या, संभालूंगी कैसे। लेकिन अम्मा जी ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के बाद से तो चाचा जान और एहतियात करेंगे इस मामले में। लेकिन आप वो ATM क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या ATM? क्या वो क्या होता है? देखिए अम्मा जी, ये जो रोजाना चेकों की झंझट है ना, इससे आप आजाद हो जाएंगी और नुसरत चाचा को जहमत भी नहीं देनी पड़ेगी। 10,000, 20, जितने भी पैसे आप चाहें वो आपके बैंक से निकल आते हैं, तो फौरन निकल आते हैं, आसान होता है। वो कैसे भाई? मैंने देखा था, बैंक 2 गली दूर है। कल मैं आपको लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चल कल चलेंगे तो देखिए। साहिर में वो जिस सरमाए की मैंने बात की थी, वो सरमाया मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस वक्त। पर आप तो कह रहे थे हो जाएगा। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा कि हो जाएगा, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। तो आप बैंक से रابطہ कर ले।
बड़ी आसान शरारत है उनकी तो। बैंक से होकर आया हूँ मैं, बैंक वाला को गारंटी के तौर पे जो जमीन जायदाद के कागजात चाहिए होते हैं वो मेरे पास नहीं है। सर आप अपनी भाभी से बात कर लें, उनकी दुकानों और गोदामों के अगर पेपर्स हम बैंक के पास जमा करवा सके तो काम हो जाएगा। वो औरत कभी नहीं मानेगी, उसका सब कुछ ये जमीन जायदाद है, अब उसे कौन समझाए। हैरत की बात है, जहां इतने करीबी ताल्लुकात हो भरोसा तो कर ही लिया जाता है। भरोसा जाहिर किया, ये जो भरोसा नामी चीज है ना, फी जमाना बहुत ही नायाब हो चुकी है। क्या तुम मुझ पे भरोसा करके अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे सकते हो, या मैं तुम पे भरोसा करते हुए ऐसा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। सर जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो दावा भी करता। और रहा सवाल भरोसे का, तो सर मैं आपका मुलाजिम हूँ, अजीज नहीं। हाँ मगर वो आपकी अपनी है और भरोसा अपनों पर किया जाता है। मुझे यकीन है अगर मैं आपका अपना होता तो आप मुझ पर ज़रूर भरोसा करते। चलता हूँ सर। कमाल हो गया, बाजार गए, जरूरत पड़ी, पैसे निकलवाए और चीज खरीद ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या पहले भी ऐसे ही किया करती थी तुम? नहीं अम्मा जी, मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ होते थे, ना बैंक में कभी जाने का वास्ता पड़ा, ना कभी अकाउंट खुलवाने का, बस देखा था तो। बहुत सदकी, मेरा भूला आ गया। खाना खाया तूने? नूरबानो ने कोफ्ते बनाए थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? भोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ वापस आ तो गए हैं, फुट घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों आवारा लड़कियाँ। अरे शर्म बेगैरत, माँ और बीवी को आवारा कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? आटो सही कह रहा हूँ ना, जब मैं कहता हूँ कि अम्मा भोले अभी बताया ना जरूरी काम से गए थे। बकवास बंद कर अपनी, अभी बताया ना बोले जरूरी काम से गए थे। देखो जी दुनिया वालों, देखो दुल्हन बोलेगी है और भाईजान मजे बोलेगी, अम्मा के साथ जाके कर रही है, अजीब बात नहीं है ये, जुल्म नहीं है बड़ी। और जा जा, मैंने नहीं खाने कोफ्ते। बोले मैं खाना गर्म कर रही हूँ। नहीं खाने मैंने तेरे कोफ्ते। अरे तू क्यों परेशान होती है, इसका गुस्सा झाग की तरह है, अभी ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा कर, ये अभी बालूशाही का डब्बा खोलेगी ना, खुशबू सूंघते भाग कर चला गया। चल खोल और देख तमाशा, खोल 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 खोल। वैसे काफी दिन हो गए हैं तुमने कोमल के लिए किसी नए रिश्ते का जिक्र नहीं किया। आपसे तो बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन सी किस बात पे आप ऐसे बाहर हो जाएं। आप मुझ पे बहुत बिगड़ने लगे हैं कोमल के अब्बा। सारी जिंदगी तो तुम मुझसे डरी नहीं, और अब आके मेरा रोब भी कायम हो गया। वाह, कल से देख रही हूं मैं आप कुछ परेशान हैं, अगर हिम्मत नहीं हो रही कि पूछ पाऊं कि वजह क्या है, पता है आप मुझ पर ही चिल्लाएंगे।
कि तुम उस वजह को छोड़ो, वो तुम्हारी समझ से बाहर है। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या बेटी को जल्द से जल्द बयाने का भूत उतर गया? खुदा ना खास्ता, ऐसी लापरवाह मां नहीं हूं मैं। दिन रात यही फिक्र सवार रहती। लेकिन क्या फायदा, एक से एक रिश्ता घर तक आने से पहले ही आप वापस भिजवा देते। पता नहीं चाहते क्या है। अपनी बेटी की बेहतरी चाहता हूं, एक बाप को और क्या चाहिए। लेकिन इंसान हूं इसलिए खुदगर्जी खमीर में शामिल है, इसीलिए दूसरी नहज पे जाकर सोचता हूं। अगर इकलौती बेटी भी चली गई तो पक्या जिंदगी कैसे काटेंगे हम? तो क्या इस डर से सारी जिंदगी बेटी को घर पर बिठाएंगे? ब्याहेंगे नहीं उसे क्या? नहीं, ब्याहेंगे, धूमधाम से ब्याहेंगे, लेकिन घर से भेजेंगे नहीं, यहीं पे रखेंगे। उफ, मेरे खुदाया, फिर वही घर दामाद का ख्याल। ये ख्याल बुरा नहीं है रिजवाना, जरा सोचो तो सही। बेटा मिल जाएगा, जवान बेटा जो कि मेरा बाजू बनेगा, और बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। कोई बेगैरत ही होगा जो ससुराल में ससुर के सामने आकर पड़ा रहे। किसी बेगैरत से ब्याहेंगे अपनी बेटी को? ना, किसी बगैरत से नहीं, बल्कि जरूरतमंद से। याद रखना रिजवाना, जरूरत हमेशा माल और दौलत की नहीं होती। जैसा कि मुझे एक घर दामाद की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे कोई माली फायदा उठाना चाहता हूं। इसी तरह वो भी बिना किसी रुपए पैसे के लालच के एक खानदान के लिए, एक घर के लिए हमारे साथ आके रह सकता है, हमारा बेटा बनकर। ऐसा नाबगाय रोजगार कहां मिलेगा आपको इस बेफैज दुनिया में? समझो मिल गया। बोले, यही तो आया था? कहां? तुझे कहा था ना कि मैं तुझे पकड़ लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? छुपा हुआ था ना? सुन तू, क्या इस तरह खेल छोड़े बगैर तू बिस्तर पे कैसे बैठ सकता है? हाँ चल, अब मेरी बारी है, मैं छुपती हूँ, मुझे ढूंढ। मैं नहीं खेलना था छुपन छुपाई। तो छुपा क्यों था? क्योंकि क्योंकि मैं ना देर से नाराज था, बल्कि नाराज हूँ मैं, और अब नाराज रहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा देर। तू मेरे सामने आती है, हंसती है तो मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं मान जाता हूँ, और मैंने नहीं मानना, मैंने ज्यादा देर के लिए रूठना है तुझसे। लेकिन मना तो मैं तुझे ऐसे भी लूंगी बगैर मुस्कुराए। वो कैसे बता वो कैसे? तुझसे नाराज होकर फिर मुझे मनाता रही? नहीं नहीं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मीस नहीं, जा नाराज हो, मैं नहीं मनाऊंगा तुझे, जा जा भाई। तो फिर तू बताता भी तो नहीं है कि रूठा क्यों है? तुम पूछती नहीं हो कि मैं रूठा क्यों, पूछोगी तो बताऊंगा ना। चल बता। नहीं, मेरी अम्मा के साथ चली जाती है। कभी ये नहीं हुआ कि अपने खावन को कहने की टाट पकड़ के चला मेरे साथ बाहर, चल तुझे जाके घुमा के लेके आती हूँ, कभी भी नहीं हुआ। हुआ है भला कभी? जी नहीं हुआ जी। हाँ जी, फिर चलेगी, फिर उसके बाद मैंने इतना ढूंढा, कभी मैं बाहर जाऊँ, कभी अंदर आऊँ, कभी कमरे में, छत पे भी गया, ढूंढ नहीं मिली भाई मुझे। मुझे लगा अम्मा ने तुझे बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया ना। चल अब मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां बोलेगा जब बोलेगा। वादा वादा।
तू मेरे साथ झूला लेने जाएगी? झूला? झूला झूला बड़े मजे, बड़े मजे आते हैं। वो जो झूला है ना जी, अब मैं बता तुम्हें, वो झूला है, वो झूला ऊपर जाता है, 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 आता हूं ना नीचे, ऊपर जाता है और फिर नीचे 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 जब आता है तो गुटगुटी पेट में गुटगुटिया गुटगुटी, इतना मजा आता है। तुझे गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। तुझे पता है मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, हम खाएंगे। ठीक है ठीक है, हम ना और करेंगे ये कि ना हम एक एक जैसे कपट बैठेंगे। एक जैसे मेरी छोड़, तू ये सोच कि तू दुपट्टे कैसा लगेगा। दुपट्टे चल चल, समझती नहीं समझती समझती नहीं बेवकूफ, ये नहीं कह रहा, बोला बोला ये कह रहा है कि जैसे ना जैसे समझ के, एक होगी तेरी कमीज, एक होगी मेरी कमीज, तेरी मेरी कमीज का रंग एक एक रंग होगा। वो कह रहा हूँ मैं दुपट्टा मैं लूंगा, मैं लड़की हूँ। चल ठीक है, हम ना बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे, वादा वादा, लेकिन अम्मा जी से तुझे पूछना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। ठीक है ठीक है, वो दुल्हन अभी खींचे तस्वीर? अभी नहीं ना, दो बस दो। ठीक है। आज उधर मेरा फोन है ना, फोन के पास आ जा, तो उधर मेरे पास आ ना, बताता हूँ तुझे। इधर अच्छा, इधर ना, इधर इधर। ऐसे कैसे हो? ऐसे कैसे नहीं, फिल्मों में देखा हीरो हीरो जो होता है हीरो, लड़की उसके यूं कर कंधे पे सर रख दिया हीरो के, मैं हीरो तू हीरो बन, आ जा ऐसे ऐसे। ओहो इधर, ये मैं क्यों हास्ट से ही एक और एक एक और एक हो मैं अब पानी लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हैं बोले, आप अपना काम करो। मैं देख रहा हूँ सही कर रही है कि नहीं। भला कौवा हरा होता है? कौवा हाँ, उसको बुखार चढ़ जाता होता है ना जब, तो वो हरा हो जाता है। हाँ दवाई की भी है ना उसने, हरे रंग का शरबत। अच्छा कर कर, मैं देखूं किताब लेके कि कितना काम हुआ है, दिखाऊं जो कीड़े बना रहा है कीड़े। अपना काम कर। कवा हो गया मेरे कल कवा। आपको ये होमवर्क मिला है ना, तो ये शुरू करो। और अभी मैं दोबारा ना देखूं वहां पे खिखी करते हुए। ये देखो मैंने कितना अच्छा रंग किया है। उसको उसकी किताब वापस दे, किताब वापस दे। अब अपना काम करो, अब दोबारा इस पे ध्यान नहीं देना, ये तंग करे तो मुझे बताना। क्या स्कूल में दिया था तो तू घर में ले आया है? तू अपना काम कर। शादी? इसमें इतने अचंभे वाली कौन सी बात है, पर यही उम्र है घर बसाने की। पहले घर बना लूं सर, फिर बसा भी लूंगा। साहिर मियां, अगर इंसान पर जिम्मेदारियां हो, बाल बच्चे पालने की फिक्र हो, तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए तेजी से हाथ पांव मारता। सर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है इससे। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ रफ्तार कम कर सकता है। अकेला इंसान जल्द मंजिल तक पहुंच जाता है और मैं सुस्त नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे नौजवानों की तरह तुम्हारे भी बात से खाब है। साहिर मियां, हम तुम्हारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं।
यही मुनासिब वक्त है। सर आपके खलूस पर कोई शुबा नहीं और आपका मशवरा सर आंखों पर, फिर भी डर लगता है कि इस दाल रोटी के चक्कर में कहीं इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। अच्छा फिर तो तुम्हें बहुत ही सोच समझ के फैसला करना चाहिए और सही इंतखाब करना चाहिए। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा इंतखाब जिससे तुम जल्द से जल्द घर वाले भी बन जाओ और इस दाल रोटी के चक्कर से भी निकल जाओ। मैं समझा नहीं सर। कभी आओ ना हमारे घर, तुम यहां अकेले रहते हो, घर आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सर, थैंक यू। प्यारी प्यारी अच्छे लगते हैं। छोटी है ना, ऐसे करके उठो ना, बड़ी प्यारी लगती है। छोटा छोटा अब कोई नया रिवाज डाला जा रहा है मुलाजमों को घर बुलाकर दावतें करने का। वही पुरानी महदूद सोच की औरत, मुलाजिम मुलाजिम मुलाजिम, चपरासी नहीं है वो, अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। तुम क्यों भूलती जा रही हो कि मेरे नए कारोबार को संभालने जा रहा है वो? तो उसे कारोबार तक महदूद रखे ना, घर में क्यों घुसा रहे हैं? अकेला रहता है यहाँ, घर के माहौल को तरसा हुआ है। क्यों इतनी छोटी बात कर रही हो तुम? यो और सुनो, जिसका ना आगा ना पीछा, छड़ा छाट, अब उस पर आंखें बंद करके इतना भरोसा करें? देखो तुम इस घर की चार दीवारी में रहती हो और मैं जमाना बरत चुका हूं, इंसान की परख है मुझे, लिहाजा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हटो। खुदा जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कोई बात कर लो सही, जैसे कोई अजाब मोल ले लिया। भाभी बेगम आप ही ने कुछ समझाए ना, मैं तो किसी शुमार में ही नहीं। अरे क्या समझाऊं, क्या किसी मेहमान को ना बुलाए? हमारा घर तो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता, और ऊपर से वो बेचारा परदेश काटता बच्चा घर का खाना खा लेगा तो तुझे क्या इतराज है, है? मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा? तो पराए मर्द को घर में घुसाने की क्या तुक है? बहु बेटियों वाला घर है ये। अरे तो ना आए ना बहु बेटियां सामने, अंदर रहे, क्या जरूरत है उनको आने की? और सुन रिजवाना, जरा जरा सी बात पे शोर से मत उलझा कर, समझ आई तुझे? भोला कहाँ है, कब से अंदर? खैर तो है, बाहर नहीं आया, मेरा दिल टूट रहा है। वो शायद अंदर खेल रहा था, मैं बुला कर लाती। खैर से आ गया? अरे माँ के पास बैठने का टाइम नहीं तेरे पास अब है? हाँ हाँ, तो जो बंडावट है, जो जिसे इंसान कहते हैं, वो उसकी और भी को मसरूफियत हो सकती है कि हर वक्त माँ के सर में, माँ की गोद में सर रख के पड़े हुए हैं जी। वाह अल्लाह की शान, माँ की गोद में लेटने का भी टाइम नहीं, क्या कहने हैं? हाँ हाँ हाँ, तो तू 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 फिक्र ना कर अम्मा, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने ना अपने ढेर सारे बच्चे तेरी गोद में डाल देने हैं, मेरी जरूरत नहीं है गोद में देने की।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ढेर सारे बच्चे। हाँ हाँ ढेर सारे। लो बना। अरे रिस्वाना कमाल करती है तू भी। अरे वो तुम ना समझ है, तू तो अकल कर, जो मुंह में आया बोले जाती है, वो चलेगी नाराज होके। तो मैंने थोड़ी शुरू किया था मजाक भाभी। अरे भोला कुछ ना कहता तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी कुछ कहने की। दुल्हन दुल्हन, तुझे हजार दफा मना किया है ना कि इस तरह की बातें ना किया कर सबके सामने, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है किसी की। सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया तूने मुझे। नहीं नहीं दुल्हन, मैं तो क्या मैं तो, तुझे एहसास नहीं है कि तेरी इन बातों की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने। इतना भोला तो नहीं है तू भोले। तुझे कोई बात बुरी लगती है तो तू फौरन नाराज हो जाता है, फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, फौरन गुस्सा कर देता है, फौरन नाराज हो जाता है। मतलब तुझमें एहसास है, इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जिल्लत क्या होती है, शर्मिंदगी क्या होती है, तुझे सब पता है। तो फिर मेरे मामले क्यों तेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अकल पे पत्थर नहीं पड़ते हैं जी, पागल ना समझो बोले को। देख भोले, अब अगर दोबारा तेरी इन बेतों की बातों की वजह से रिजवाना चाची या किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यही बल्ला उठा के ना अपने सर पे मार लूंगी, फिर तुझे ठंड पड़ जाएगी। नहीं चाची, ये अपने सर पर मारकर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तेरी ये बातें सुनकर होती है, उनकी मजाक उड़ाती हुई नजरों को देखकर होती है, लेकिन तुझे किसी भी बात का एहसास नहीं है। ए चची की बच्ची, क्या कर रही है मेरी दुल्हन को? बोले बोलो। अरे भोले सत्यानाश तेरा ना। अरे मेरे खुदाया।